क्लास फोर दई होप दू ऑल आर डूंग गुड वेलकम टू यूर इंग्लिश क्लास टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यू टॉपिक विच इज होमोनियम ओके सो वट आर होमोनियम होमोनियम्स आर दैट वर्ड विथ साउंड अलाइक ठीक है अलाइक मीन्स एक जैसे जिनको जब हम प्रोनशिएट करते हैं जब बोलते हैं तो उनका प्रोनसिएशन सेम आता है बट उनकी स्पेलिंग्स अलग होती है एंड उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल एट एट ठीक है दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बोलते हैं हम एक जैसा है बट इट हैड डिफरेंट स्पेलिंग स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है इस एट का मीनिंग होता है खाना और इस एट का मीनिंग होता है नंबर और नेक्स्ट इज बी 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 एंड बी डबल ई बी मीन्स मक्खी मधुमक्खी और मक्खी सेल एंड नेक्स्ट वन इज सेल एस डबल एल इट्स मीनिंग इज बेचना नेक्स्ट वन इज फ्लॉर फ्लारा ठीक है एफ एल ओ यू आर फ्लार का मतलब क्या होता है आटा एंड एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लार का मतलब क्या होता है फूल ओ एन ई वन एंड डब्ल्यू ओ एन वन मीन्स जीतना एसई एस समुद्र एंड एस डब्ल ए सी मीन्स देखना डब्ल्यू ए आई टी वेट मीन्स इंतजार करना डब्लू आई जी एस टी वेट मीन्स वजन करना एसओ एन सन बेटा एस यू एन सन एम ए डीई मेट एंड एम ई आई डी मेड मींस नौकर एच डबल ई एल हील एंड एच ई एल मीन्स हील किसी चीज को हील करना मीन्स प्रॉपर अच्छे से सही होना क्स्ट टॉपिक इज सी सो वट आर सिनोनियम्स वो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है बट मीनिंग सेम होता है होमोनियम क्या थे वो वर्ड जिनको हम बोलते सेम थे बट उनके मीनिंग क्या होते थे डिफरेंट होते थे बट ये कौन से वर्ड होते सिम्स जो स्पेलिंग जिनकी अलग होती है जिनको हम बोलते डिफरेंट है बट इनके मीनिंग क्या होते हैं सेम होते हैं स्टार्ट स्टार्ट को हम और क्या बोल सकते हैं बिगिन स्टार्ट द रेस और बिगिन द रेस प्रिटी प्रिटी को और हम क्या बोल सकते हैं लवली आई हैव अ प्रिटी ड्रेस आई हैव अ लवली ड्रेस क्विक क्विक मीन्स फास्ट लार्ज इनॉर्मस लार्ज को हम और क्या बोल सकते हैं इनॉर्मस बिग आई आई हैव सीन एन इनॉर्मस एलिफेंट टायर्ड टायर्ड को और हम क्या बोल सकते हैं स्लीपी आई एम फीलिंग स्लीपी रिच वेल्दी रिच कॉर हम क्या बोल सकते हैं वेल्दी शी इज अ वेल्दी पर्सन शी इज अ रिच पर्सन स्मार्ट स्मार्ट को इंटेलिजेंट सिक मीन्सिकॉर हम क्या बोल सकते हैं इल Now your next topic is antoniums. What are antoniums? Antoniums are opposite word. Okay. So what will be the opposite of loud, soft, loud means bhotte, soft means bhataram say fast, slow, several bhot sare, bhot sare ke opposite, few. thode se. front, back, last, first, older, younger, early, late, full empty so this is it now here uh, your english second course is completed you have to make like this inside the cloud you have to write course completed in neat and clean handwriting and your parent signature should be there and date should be written okay now this is it for today thank you everyone